सो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है इवनिंग टाइम से। एंड अभी मैं चलता हूँ किचन की ओर क्योंकि मैंने अभी लंच नहीं किया है। एंड टाइम की बात की जाए तो गाइस टाइम हो रहा है 4:59, 3:59 हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ बर्तन गंदे हैं एंड ये जो है मैंने डिनर में बनाए थे चावल, तो अभी इनका खाने का मन नहीं हो रहा है। एंड एक सब्जी है जो मैं लेकर आया था, इसको मैंने बनाई नहीं है, काफी दिन हुए, तो मैं सोच रहा हूँ इसको बना लेता हूँ अभी, दो टाइम के लिए बहुत हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं बर्तन वगैरह धो लेता हूँ एंड उसके बाद अपना लंच। यहाँ पे मैंने बर्तन तो धो लिए हैं एंड ये जो गोभी, बंद गोभी इतनी ज्यादा डर्टी हो रही थी उसके लेयर मैंने छुटा दिया, अभी काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। तो चलिए यार सब्जी बना लेता हूँ मैं। सो फाइनली गाइज यहाँ पे प्याज कट चुकी है एंड आलू छील के रख दिए है मैंने, टमाटर वहां पे है और वो सब्जी ये कट गई है और तेल अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, आई थिंक होने वाला है। तो जैसे ही मैं प्याज इसमें डालूंगा तो टमाटर काट लूंगा एंड जैसे टमाटर फ्राई होंगे तो आलू काट लूंगा, देन सब्जी बन जाएगी एंड उसके बाद इसको खाएंगे। मैंने आटा गूंथकर इसके पेड़े बना दिए हैं एंड सब्जी अभी 2 से 3 मिनट में बनने वाली है। इतने में अपना इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर देता हूँ, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वो आपको स्क्रीन पर दिखा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके फॉलो कर लें। फाइनली गाइस लंच बन के रेडी हो चुका है, ये सब्जी बन चुकी है, काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है एंड मैं रोटी दिखा देता हूँ आप। ये गाइस रोटी बन चुकी है, 2 टाइम की रोटी बना ली है, ये चावल है, थोड़े से चावल खाऊंगा, थोड़ी सब्जी खाऊंगा। तो चलिए मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। फाइनली खाना खाने के बाद मैं आ चुका हूँ छत पे एंड कुछ इस तरीके का माहौल हो रहा है और ये मुझे लग रही है ये मधुमक्खी यहाँ पे उड़ रही है एंड यहाँ के कुछ फ्रेंड पतंग उड़ा रहे हैं एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़े टाइम मैं भी पतंग उड़ा लेता हूँ, इससे मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। सो फाइनली गाइज यार मगरिब का टाइम हो गया था उस टाइम, फिर मैंने सोचा यार नमाज पढ़ के आ जाता हूँ फिर उसके बाद अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:29 हो चुके हैं, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रहा है। गाइस आपको पता होगा कि मैं ब्लॉग के थ्रू कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, तो यहां पे कुछ अमेजिंग कमेंट्स ले लेता हूं। तो ये बोल रहे हैं अप्पू कुमार कि जल्दी जल्दी आपका वीडियो नहीं आता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता हूँ, तो सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टडी पे ज़्यादा फोकस चल रहा है तो इसी वजह से ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि 2 दिन के बाद ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ। गाइस यार स्टडी कर रहा था मुझे और कुट कुट की आवाज़ आ रही है, देखते हूँ कौन से रूम से कुट कुट की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आई थिंक इधर से आवाज़ आ रही है। अमन भाई, अमन भाई क्या चल रहा है, ये कुट कुट क्या हो रहा है, अंदर आके देख लो क्या मतलब क्या चल रहा है कुट कुट। ओ ये क्या बना दिया अमन भाई, ये आवाज बाहर की कम करने के लिए, जो बाहर से आने वाली आवाज है उसको कम करने के लिए, जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पर तो ये आवाजें कम हो जाएंगी इससे। अच्छा यहाँ पे बंद कर रहा हूँ दोनों साइड से। अच्छा उधर से ही बंद कर दिया, ओह माय गॉड, ओह तो गैस गैस दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बेसिकली जब इसको ऑफ कर रहे थे तो उसकी कुट कुट की आवाज़ आ रही थी एंड यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये एंटीबायोटिक यहाँ पे पिन कर दिया ये, क्योंकि एंटीबायोटिक जब लेगी तभी इसमें बैक्टीरिया नहीं आ पाएगा, मतलब कहने का मतलब यही है कि बाहर की वॉइस अंदर नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है सर को एंड जब पढ़ाते हैं तो बैकग्राउंड में पीछे होता है, हॉस्टल में आपको बताइए इस तरीके की आवाज़ आती है, हल्ला वल्ला करते रहते हैं कुछ लड़के, तो उसी का ये इंतजाम किया जा रहा है, इसे बोलते हैं साउंड प्रूफिंग करना रूम की। सो वापस आ चुका हूँ मैं अपने रूम पे एंड अगेन मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर वहीं से स्टार्ट कर दिया है। एंड गाइस जैसे कि आपने देखा कि एयू सर ने अपना रूम एकदम वॉइस प्रूफ कर दिया है, जिससे कि ना ही बाहर की आवाज़ अंदर जा पाए ना ही अंदर की आवाज़ बाहर जा पाए, जिससे उनको ऑनलाइन जो क्लास पढ़ाते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए कुछ कमेंट्स और ले लेते हैं, तो इनका नाम है समुद्र कश्यप, ये बोल रहे हैं कि भैया मैं नीट 2023 देने का सोच रहा हूँ एंड अभी मैं क्लास 12th का बोर्ड देने वाला हूं, बट मेरा क्लास 11th में बहुत ज़्यादा बैकलॉग से स्पेशली इन बायोलॉजी, सो कैसे कवर किया जाए, थोड़ा टिप्स देना प्लीज़, रिप्लाई एंड लव योर ब्लॉग्स, इट रियली मोटिवेटेड अलॉट।
तो इसके लिए मैं यही कहूँगा आप अभी 12th करो बोर्ड अच्छे से, एंड उसके बाद जो 2023 के बाद जो 2024 के बैच स्टार्ट होंगे वो ज्वाइन करना, एंड उसमें अपना 11th एंड 12th अच्छे से कवर करना बढ़िया तरीके से, रिवीजन भी साथ लेके चलना, प्रैक्टिस भी, सारी चीज़ें। तो अभी तो मैं यही कहूँगा अपना बढ़िया तरीके से 12th करो। तो फाइनली गाइस केमिस्ट्री का लेक्चर तो कंप्लीट हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ डीपीपी सॉल्व करने से पहले एक बार एमटीजी फिंगर टिप्स में इस चैप्टर की रीडिंग कर लेता हूँ एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे डीपीपी। सो फाइनली गाइज एमटीजी फिंगर टिप्स में भी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने अभी डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। सो फाइनली गाइज एमटीजी फिंगर टिप्स में रीडिंग करने के बाद डीपीपी भी सॉल्व हो चुकी है और अभी का टाइम आपको दिख रहा होगा 11:28 हो रहे हैं एंड चलते हैं यार डिनर में, देखते हैं क्या है कुछ बनाने का। यहाँ पर गाइज मेरे पास ऑलरेडी सब्जी तो है एंड लंच में मैंने आपको पता होगा रोटी खाई थी, अभी मैं चावल बना लेता हूँ। सो फाइनली गाइज चावल बनने के लिए मैंने रख दिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एंड इतना चावल ये बनते हैं। मैं कर देता हूँ यूट्यूब के जो आपके कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई। तो गाइज यहाँ पर अमन भाई ने मुझे एक बात बताई है खाना खाते खाते कि जिगर का मतलब क्या होता है। जिगर हमने गानों में तो सुना होगा, बहुत सारे गाने बनते हैं नज़र के सामने जिगर के पास, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है मुझे तो पहले पता था कि इसका मतलब हर्ट होता है। तो अमन भाई से पूछते इसका मतलब क्या होता है। लिवर लिवर लिवर, तो इसका मतलब लिवर होता है और इससे पहले मुझे यही पता था, मैं तो दिल समझता था क्योंकि गानों में अक्सर जो है वो दिल ही यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यार टाइम हो रहा है 3:33 और अभी यही सर खाना खाने के बाद जा रहे हैं, काफ़ी डिस्कस किया था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ठीक है यही सर, गुड नाइट। बाहर का माहौल देख लेते हैं एक बार कैसा हो रहा है। बिल्कुल बड़ी शांति छाई पड़ी है। दिस इज यही सर रूम, दिस इज माई रूम। गाइज यार आज मैं फिजिक्स का लेक्चर तो नहीं ले पाया एंड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली अमन भाई से, एंड अमन भाई का एक वीडियो वायरल हो गया है जो अभी 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है। टाइम तो आपको दिख रहा होगा 3:37 हो रहे हैं। तो वीडियो वायरल हो गया है, जिसने नहीं देखा है वो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में भी उस क्लिप को देख सकते हैं। तो यही सारी डिस्कस कर रहे थे कि अमन भाई कैसा फील कर रहे हैं आप वायरल होने के बाद, एंड उनके फ्रेंड्स के कॉल भी आए थे कि भाई हमने आपका वीडियो देखा है अमन भाई, आप तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हो, 5 मिलियन क्रॉस हो गए हैं। तो बस सुबह लेंगे अभी फिजिक्स का लेक्चर एंड अभी सो जाते हैं, गुड नाइट। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना एंड मिलते हैं फिर मॉर्निंग में, गुड नाइट।